लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई हर नेता को हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्या कह सकते हैं? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस की सियासत एक बार फिर गर्म हो चली है। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया है, वो 11 अप्रैल को अनशन करेंगे। गहलोत सरकार से उनकी मांग है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था उसको लेकर के कई चिट्ठियां लिख चुका, अब समय आ गया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं हो रही है इसलिए एक दिन का अनशन करूंगा, ये सांकेतिक अनशन है। इसके बाद सवाल उठता है कि सचिन पायलट का इरादा क्या है, तो सबसे पहले सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं, मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला ये सब मैंने बनाकर भेजा है, जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता हम पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया, 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। कांग्रेस मॉडल राजस्थान मॉडल प्रमोट कर रही है, राजस्थान मॉडल के बारे में बात की जा रही है, क्या आपके अनुसार राजस्थान मॉडल वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है? भाई मैंने तो जो मुझे इशू लगा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया, और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है। लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है और समय कितना बचा है। सुझाव पार्टी क्यों नहीं मान रही, क्या लगता है? ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज्यादा लेने देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या करें, मैं बैठूंगा जी, हाँ गोयल साहब मैं बैठूंगा। सचिन सर, अशोक गहलोत जी ने तो आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपने तो उन आरोपों को कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। भाई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, आपने मेरे ढंग से सुना नहीं, मैं तो आपके ऊपर मैं तो सिर्फ तथ्य प्रमाण के साथ रख रहा हूँ सामने, अब तक का इतिहास बता रहा हूँ और हमें क्या करना चाहिए इस पर अपना बात रख रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करता हूँ। सचिन जी, मेरा ये सवाल था कि आपने वसुंधरा राजे के बंगले के ऊपर भी कहा था कि उनको घोड़ना दिए, लेकिन आप 3 साल से उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी नैतिकता आपको नहीं कहती है बंगला? सरकार अपने विवेक से बंगले आवंटित करती है, जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे, जो सरकार का आदेश होगा हम सब मानेंगे उसको। सचिन जी, आपको नहीं लगता आपने कई चिट्ठियां लिख दी तो मंशा तो जाहिर है सरकार की कि वो आपकी चिट्ठियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, ऐसे में आपका अनशन आपको लगता है कोई और रास्ता? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हों, लेकिन अब मैं अनशन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे, समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए आज मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं तो चिट्ठी आपको पता है, चिट्ठी लिखी मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया, आज मैं क्यों बोल रहा हूं, ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूं, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूं, फिर चिट्ठियां लिखता आया हूं, आग्रह करता आया हूं, अब जब नहीं हो रही कार्रवाई इसके मुझे अनशन करना पड़ रहा है। पायलट साहब, ये माने कि अब आप आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? शशि जी, मैं तो एक इशू उठा रहा हूं जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, उस पर कार्रवाई हो ये मैं चाहता हूँ, इतना मेरा लिमिटेड ऑब्जेक्ट है। जो पहले आपने मुद्दे उठाए, इससे पहले जो जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी, जिन्होंने अनुशासन संहिता की थी 25 सितंबर को, तो क्या अरे आज का इशू जो आपको बता दिया मैंने, वो तो दूसरा इशू है। आप जब अनशन पे बैठेंगे उसके बाद, जो आपने दो पत्र पहले भी लिख चुके कार्रवाई नहीं हुई, अनशन पे बैठने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी अपनी बात, जो पुरानी बात कही थी उस पर अमल करेगी, मैं उम्मीद रखता हूँ। पायलट साहब, 11 अप्रैल को आप अनशन की बात कर रहे हैं, काफी लेट नहीं कर दिया आपने क्या? भाई मैंने कहा ना आपको, मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी, मुझे उम्मीद थी कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब लग रहा है कि समय बहुत ही कम रह गया,
तो मैं बैठूंगा, दर्शन करूंगा, लोगों के सामने बात रखेंगे, और मेरा इस पे किसी पे छींटाकछी करने का मकसद नहीं है। मैं तो सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दों की बात रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं इस पर हम नैतिकता अपनी बनाए रखें, उस पर कार्रवाई करें। बड़ी शिद्दत से हनुमान बेनीवाल आपको याद करें भाई, ऐसा है, ऐसा है। हाँ जाट साहब, बोलो क्या करोगे? अगर संसद के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे देखेंगे। लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा, अब भाई हर नेता को हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्या कह सकते हैं? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए खुली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए लेकिन पूरे संपूर्ण समाज और देश के लिए एक समाज सुधारक थे। उन्होंने मुद्दों को समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें करप्शन बहुत बड़ा इशू है, तो उनसे प्रेरणा लेके मैं करना चाह रहा था। इसलिए 11 तारीख पायलट साहब, अगर 11 अप्रैल को आप अनशन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या इस इश्यू को आप जनता के बीच में ले जाएंगे? मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी। सरकार हमारी है, एजेंसी हमारी है, तथ्य हमारे सामने है, हमारा कमिटमेंट पब्लिक के अंदर है, तो बात न मानने का सवाल नहीं उठता। सर आपने आज पूजा समाज में जो भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रहा है, जो आप अपने ट्विटर बार चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये इशू पे मैं आपको याद किया था, इसके संदर्भ में कोई सवाल आप पूछ रहे हैं? आपने खूब सारे घोटालों का जिक्र किया लेकिन संजीवनी घोटाले का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीरियस उसी घोटाले, उस पर तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। अच्छी बात है, किसी भी करप्शन को उजागर अगर वो होता है, उस पर कार्रवाई हो, तफ्तीश हो, पुलिस केस बने, इंक्वायरी हो, FIR हो, उसमें अच्छी बात है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, उस पर करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिन पे नहीं कर रहे हैं उस पर भी करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। संजीवनी घोटाले में सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, SOG के माध्यम से पहले आरोपियों को बुलाया जा रहा है, केस दर्ज कराया जा रहा है, क्या आपको लगता है इस वाले मामले में भी सरकार प्रोएक्टिव होकर काम करे, अपनी तरफ से केस दर्ज करे? देवरा जी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, करप्शन कोई भी करे, कितना बड़ा नेता हो, पद विचारधारा दल पार्टी ये साड़े नहीं आना चाहिए। और हम जब बातें जानते हैं, पब्लिक डोमेन में हम कह चुके हैं, फिर हम ना कार्रवाई करें तब पीड़ा होती है। इसलिए मैंने चिट्ठियां लिखी हैं बहुत सारी, ऐसा नहीं कि मैं एकदम सो के उठा और मैंने कहा कि आज ऐसा करना चाहिए, मैंने बहुत आग्रह किए हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, सब कहा है करने के लिए, नहीं हुआ किसी कारणवश। इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि मैं 11 अप्रैल को अनशन करूंगा। कितने बजे से बैठेंगे? 11 बजे से। टाइम टेबल आ गया? एक दिन का अनशन कर रहा हूं, मैंने सूचित कर दिया जिला प्रशासन को कि शहीद स्मारक पे 11 बजे बैठूंगा। मैं तो अकेली बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ आपके साथ सब कुछ होता है, 4.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है, आपका BP क्या नॉर्मल रहता है? मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। आपने बात कही कि आपने ना केवल चिट्ठियां लिखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, पर जो प्लान आपने आला कमान के साथ डिस्कस किया था राजस्थान में कैसे सरकार वापस आए, उसमें भी आपने बात, मैंने एक तो खुलासा कर दिया, आपने बात कही थी, तो क्या आला कमान की भूमिका पर भी आप सवाल? मैंने आपको, आपसे बार बार पूछते हैं, तो मैंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप को जो मैंने सुझाव सुना आपने, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठा और आ गया धरने पर बैठने के लिए, मैं इस मुद्दे को उठाता रहा हूं और इसका समर्थन कर दिया है। गहलोत सरकार में जो मंत्री हैं खाचरियावास, उन्होंने कि हाँ सचिन पायलट जब अध्यक्ष थे, मैं जिलाध्यक्ष था, तब यह फैसला हुआ था। आपको बता दें कि खाचरियावास गहलोत खेमे के हैं, इसके बावजूद इस सुर में सुर मिला। तो क्या चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान की राजनीति पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरीके से गहलोत वर्सेज पायलट में चली, उसका नतीजा क्या निकला? गहलोत एक बार फिर जादूगर साबित हुए, फैसला उनके पक्ष में आया, विधायकों ने उनके नेतृत्व में खुली बगावत कर दी, कांग्रेस आलाकमान ने नोटिस जारी किया, लेकिन कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बना करके वहां से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दांव सही नहीं लगा। गहलोत ये साबित करना चाहते हैं कि राजस्थान से उन्हें कोई नहीं हटा सकता, यहाँ तक कि राजस्थान की कांग्रेस आलाकमान भी नहीं। कांग्रेस आलाकमान को डर इस बात का है कि जो पंजाब में हुआ वो राजस्थान में ना हो जाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दबाव में और उधर से सिद्धू का जो जोर था, कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया था, नतीजा ये हुआ कि वो पार्टी छोड़ गए।
पार्टी टूट गई, चुनाव हार गई। चूंकि राजस्थान चुनावी मुहाने पर खड़ा है, इसलिए अब इस वक्त कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी अशोक गहलोत को हटाने के मूड में नहीं। 11 अप्रैल यानी कल जब सचिन पायलट धरना दे रहे होंगे, तब ज्योतिबा फूले की जयंती मन रही होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद को माली सैनी समाज से बताते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो क्या सब कुछ जानबूझ करके सचिन पायलट ने चुना है? आखिरकार वो किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं? अपनी ही सरकार के खिलाफ। जांच किसको करानी है? गहलोत सरकार को करानी है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जब पायलट ने बगावत की थी और बीजेपी में जाने की बात हुई थी, तो कहते हैं कि वसुंधरा राजे ने ही टंगड़ी मारी थी, उनका रास्ता रोका था। और वसुंधरा राजे से अशोक गहलोत की नज़दीकी किसी से नहीं छिपी है। ये बात भी सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परोक्ष रूप से उठाई है कि हम पे आरोप लगेंगे कि आप क्यों नहीं जांच कराए, सरकार आपकी थी। फिर सैद्धांतिक रूप से हम खुद के अंदर से भी आवाज़ उठेगी कि हमने ये वायदा किया था वो नहीं किया, तो लोगों के बीच जाकर के क्या जवाब देंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट इसके बाद क्या करेंगे? पत्रकारों ने बहुत उकेरा, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा। हाँ, ये सवाल उठा कि हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को खुला ऑफर दे रहा है कि आप अपनी अलग पार्टी बनाइए, इस पे क्या कहना है? उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान बेनीवाल ने जो कुछ भी कहा, ये उनकी अपनी राय है, ये कह करके वो धीरे से कट लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तो क्या चुनाव के ऐन मौके पे सचिन पायलट कुछ बड़ा करने वाले हैं, अपनी पार्टी बनाएंगे? इसको लेकर के कांग्रेस हाईकमान भी चिंतित है। गहलोत सरकार के लिए तो मुश्किल होने ही वाली है। राजस्थान के जो भी अपडेट्स हैं, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उस पर हमारी नज़र है। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।